सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। उस आंसू से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उस आंसू की कद्र करो जो आपके लिए किसी की आंखों से निकले। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। जिंदगी में गिरने से कभी मत डरो, क्योंकि उड़ते वही है जो गिरने की हिम्मत रखते हैं। आज का पंचांग 19 सितम्बर 2024 दिन गुरुवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि रात्रि 12:40 तक रहेगी। इसके उपरांत तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपद नामक नक्षत्र सुबह 8:04 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:51 से 3:21 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:44 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर सुबह 5:15 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। मिथुन राशि 19 सितम्बर 2024 दिन गुरुवार, ऐसे अवसरों को पकड़ने की कोशिश करें जो आपको सोचने और उसे अपने तरीके से दोबारा पेश करने का मौका दे। आप इसे उत्साह के साथ कर भी पाएंगे और आपको आनंद भी आएगा। घर में कुछ बदलाव होने ही हैं। शायद आप अधिक एकाग्रता और अधिक बेहतर अवसरों के लिए किसी नई जगह जाना चाहते हैं। आप इस समय खुद को कानूनी चिंताओं में उलझा हुआ पाएंगे, जिसमें एक कार दुर्घटना शामिल हो सकती है। काम इस समय आपसे अधिक मांग कर रहा है। परिवार के साथ घर पर मन की शांति पाएं। उधार की चिंता आपको परेशान कर सकती है। आपके प्रयास सफलता प्राप्त करेंगे। आप अपने काम को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, किंतु प्रशंसा की कमी से निराशा होगी। भावुकता आज आपको बेचैन कर सकती है। असंतोष सफलता की पहली आवश्यकता है, इसलिए इस बेचैनी का सही से उपयोग करें। दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। सफलता जैसे कीमती चीज पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अगर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है तो आपका वक्त हंसी खुशी और सुकून भरा रहेगा। धन की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है, इसलिए आज जितना हो अपने पैसे की बचत करने का विचार बनाएं। रिश्तेदारों के साथ बिताया गया वक्त आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप अनुभव करेंगे कि आपके प्रिय का आपके प्रति प्यार वाकई बहुत गहरा है। अच्छा, आपके बॉस का बढ़िया मिजाज पूरे कार्यालय के माहौल को अच्छा बना देगा। उन लोगों से मेलजोल बढ़ाने से बचें जिनके साथ आपका वक्त खराब होता है। वैवाहिक जीवन में स्नेह को दिखाने का अपना महत्व है और इस चीज का अनुभव आज आप करेंगे। कोई रुका हुआ आय का स्रोत पुनः शुरू हो सकता है। सिर्फ अपने प्रयासों में गति आने की संभावना, गति लाने की जरूरत है। घर के रखरखाव में वास्तु संबंधित नियमों का प्रयोग करना सकारात्मकता बनाएगा। ज्ञानवर्धक साहित्य पढ़ें और अनुभवी लोगों के संपर्क में रहें। मन में बढ़ते लालच के कारण गलत काम पर ध्यान दिया जा सकता है। आपका संयम गलत बातों से बचाएगा। विचारों को सुधारने पर ध्यान देते रहें। लोगों की बातों पर तुरंत विश्वास करना गलत होगा। जब तक परिस्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है तब तक किसी भी प्रकार का अनुमान ना लगाएं। दिन की शुरुआत में धीमी रहेगी, लेकिन अचानक से गति में आ रहे बदलाव के कारण आपका उत्साह भी बढ़ेगा। पार्टनर की बातों के कारण परिस्थिति से संबंधित सही निर्णय लेते समय दुविधा महसूस हो सकती है। पेट की जलन तकलीफ का कारण भी होगी। आपको नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है। आपकी यदि किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी तो वह भी दूर होती दिख रही है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सावधान रहना होगा। आपको अपनी वाणी व व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखें आपको अपने वाणी पर व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से आपको कोई रुका हुआ काम
आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आप किसी से कोई लेन देन सोच विचार करके करें। सावधानियां, निकट संबंधियों के साथ कोई भी विवादित स्थिति बनने पर धैर्य बनाए रखें, वरना इससे मामला बढ़ सकता है। किसी भी यात्रा को स्थगित रखें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति ज्यादा ध्यान दें, वरना आपका परिणाम प्रभावित हो सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो कोई तीसरा पक्ष आपकी लव लाइफ में काफी हस्तक्षेप कर सकता है और गंभीर गतिविधियां पैदा कर सकता है। आपको अपनी और पार्टनर की भी भावनाओं का विश्वास करना सीखना चाहिए। दूसरों की बातों पर अधिक ध्यान देने की बजाय अपनी भावनाओं पर अधिक ध्यान दें। आपको जो प्रोफेशनल मुद्दे परेशान करते हैं उनके बारे में भी अपने पार्टनर से भी बात करनी चाहिए। पार्टनर के बीच के संबंध मजबूत भी होंगे। याद रखें, प्रेम का संबंध में आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मसम्मान सिखाता है। आज के दिन आपके लिए चिंताजनक है, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखें। आपके कौशल और दक्षता के बारे में सब जानते हैं, लेकिन लोगों का नजरअंदाज करना आपको ठेस पहुंचा सकता है। अगर प्रेम में जीवन में समस्या है और आप उसे हल नहीं कर पा रही हैं, तो शांत रहें और अपने पार्टनर को उसे सुलझाने दें। आने वाला समय शुभ है। बात करते हैं करियर की। अपनी नौकरी या प्रयास में सफलता पाने के लिए अपने तर्क और कर्तव्यों का सही तरह से प्रयोग करें। अपनी दिनचर्या या व्यक्तित्व में परिवर्तन करके आप अपने जीवन को नया मोड़ दे सकते हैं। विवाद, प्रतियोगिता या दुश्मन से ना घबराएं, क्योंकि यह सब आपको मजबूत और निडर बनाते हैं। आप अपनी क्षमताओं को अच्छे से जानते हैं, इसीलिए अब आपकी अपने आप से उम्मीद भी बढ़ रही है। आप अच्छे काम करते हैं, लेकिन लोगों तक इस बात को पहुंचाना भी जरूरी है। समृद्धि पाने की मजबूत इच्छा से आप बेचैन महसूस कर सकते हैं। सफल होने से पहले पहले जीवन जीने का सही तरीका जानें। आपके नए व्यापार विचार जो आपने सुझाए थे वो अब फल देने लगेंगे। आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की सोच सकते हैं। यह अपने दम पर कुछ करने के लिए सबसे अच्छा समय है। संभावना है कि आप इस समय अपने नए व्यापार के लिए पर्याप्त वित्त पोषण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आपको इस व्यवसाय को स्थापित करने के लिए विदेश में से किसी के साथ साझेदारी में काम करना पड़ सकता है। पेमेंट आदि का लेन देन करते समय बहुत ही सावधानी बरतें। गलती की वजह से भारी नुकसान होने की आशंका है। कामकाज में नई तकनीक व हुनर का उपयोग करें, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ सके। अचानक ही ऑफिस में किसी बात को लेकर परेशानी आ सकती है। बात करते हैं सेहत की। इससे पहले कि आप खुद पर अपने नए एक्सरसाइज कार्यक्रम या डाइट को लेकर अधिक सख्ती बरतें, पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जो आप करने जा रहे हैं वह आपके लिए जरूरी है या नहीं। किसी और के तय किए हुए पैमाने के अनुसार कार्य करना आपके लिए फायदेमंद साबित ना हो। अब समय आ गया है कि और किसी के कहने पर चलने की बजाय आप खुद अपनी जरूरतों और अपने व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए अपना कार्यक्रम बनाएं। आज का उपाय, आज आप गरीब बच्चों की सहायता करें बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।